मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की खास खबरों का। 24 जुलाई को मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उससे पहले 18 जुलाई को नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा और 21 जुलाई को परिणाम आएंगे। वहीं 25 जुलाई को देश को 9 निर्वाचित राष्ट्रपति मिल जाएंगे। इसी कड़ी में राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले समाजवादी पार्टी की ओर से लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव समेत पार्टी के तमाम विधायक और सांसद मऊजूद रहे। इस दौरान कानपुर के सीसामऊ में विधायक इरफान सोलंकी और आजमगढ़ के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। प्रत्याशी होंगे जो देश के सबसे अधिक आर्थिक जानकार हैं और आर्थिक रूप से उन्होंने देश को मजबूत करने का काम किया है। हम लोग ये चाहते हैं कि यशवंत सिन्हा जी देश के राष्ट्रपति हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और विधायकों की खरीद फरोख्त करने का काम कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग करने का काम कर रही है, और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि ऐसा आदमी बने राष्ट्रपति जो उनकी रबर स्टैंप हो। यशवंत सिन्हा से योग्य उनसे अधिक अच्छा व्यक्ति देश में संभव नहीं है, और इसलिए विपक्ष ने उनका नाम तय किया है। समाजवादी पार्टी के सारे विधायक और सांसद उनको रणनीति बनाने का काम करने के लिए बैठक हो रही है। इसमें हम लोग तय करेंगे कि यशवंत सिन्हा को कैसे देश में चुनाव जिताने का काम हो। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर में एक बैठक रखी गई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के 111 विधायक और 3 सांसद और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो भी मौजूद रहे। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गा प्रसाद यादव जी हमारे साथ हैं, जो आजमगढ़ से विधायक है। आज चर्चा में क्या हुआ और क्या रणनीति आप लोग तय किए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर? हम लोग तो आए, रणनीति क्या है, हम लोगों का घटाचर हुआ। आज जैसा विपक्ष ने लोगों ने खड़ा किया है मान आदरणीय यशवंत सिन्हा को, तो हम लोग दिशा निर्देश होगा, हम उस पर वोटिंग करने का काम करेंगे। अच्छा, अभी ये बताया कि केंद्र सरकार की एक योजना आई है अग्निपथ, जिसे अग्निवीर बनाया जाए युवाओं को, इस पे आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है? आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जहां लड़के सेना की खासकर तैयारियां करते हैं। देखिए, ये बात आपकी सही है कि भोर में 3 बजे से नौजवान सड़कों पर दौड़ते हैं, परिश्रम करते हैं कि हम मिलिट्री में चले जाएंगे, सुबह तक दौड़ते हैं। अब उनको भर्ती हो जाएंगे 4 साल के बाद उनको हटा करके फिर दूसरे किया जाए तो वो कहां जाएंगे? ऐसा तो नहीं हुआ था देश की आजादी के बाद, अब किसी दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है। ये मिलिट्री जो फोर्स है वो सरकार अपने अंडर में लिए रहती है, तो ये क्या मंशा इनकी है, ये देश को बर्बाद करना चाहती है, साफ साफ बात है। क्योंकि देश की सुरक्षा के कोई कर सकता है तो किसान के बेटा, नौजवान के बेटा, गरीब के बेटा, जो मेहनत करके जाके वहां जाकर के अपनी जान की आहुति देने का काम करता है, जान कुर्बानी देता है। किसी बड़े घर आने के लड़के उद्योगपति का लड़का कोई जाता है वहां पर? ये तो उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं लोग। अच्छा, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, दशकों से राजनीति में हैं, जो आपके ग्रामीण इलाकों के लड़के हैं उनका क्या कहना है, उनका क्या विचार है अग्निपथ को लेकर? जो आंदोलन हुआ था, इन्होंने बसें लगा दिया, रेलवे फूंक दिया कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, संविधान हमको रखा जाए, ये कोई नहीं चाहेगा। संविधान पद शोषण का पद है, अगर रखना है तो मिलिट्री के क्यों बेच रहे हो? सबके बेच दिया, अब आर्मी के भी बेच दो, तब देश खतरे पड़ जाएगा, भारत माता खतरे पड़ जाएगी। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे आजमगढ़ के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी जो यशवंत सिन्हा है राष्ट्रपति के उम्मीदवार विपक्ष के, उनके पूरा समर्थन कर रही है, साथ ही साथ उनको जिताने का हर एक प्रयास कर रही है। वहीं उन्हें उनकी तरफ से अग्निवीर योजना को लेकर भी बयान दिए गए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी को के अंदर में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी 111 विधायक और सांसद मौजूद थे। उसी क्रम में कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक इरफान सोलंकी हमारे साथ हैं। इरफान जी, आज बैठक के अंदर क्या चर्चा हुई और किस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में अपनी आप लोग जो समाजवादी पार्टी है वो यशवंत सिन्हा को समर्थन जो किया कैसे मजबूती दे रहे हैं? देखिए, हमारा जो वोट की वैल्यू है 208 वोट की वैल्यू है एक विधायक की, और हम 100 लगभग विधायक हैं और 3 सांसद हैं, लोकसभा 3 सांसद हैं, राज्यसभा
तो हमारा अच्छा वोट की वैल्यू है और अल्लाह ने चाहा हम लोग उसको 100 में 100% डालेंगे और राष्ट्रपति जी के उम्मीदवार के लिए हम लोग वोट करेंगे। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री अखिलेश यादव जी, उनके जो अन्य स्टेट के नेता हैं, चाहे ममता बनर्जी हों और तमाम जो साउथ के नेता लोग हैं, जो उनके पारिवारिक संबंध हैं, जो एक दोस्ताना संबंध है, उसको लेके भी उन्होंने बातें करी हैं ताकि वो जाएंगे और वो लोग भी आ रहे हैं कि हम लोगों ने एक विपक्ष के जो हमारे उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति जी के उम्मीदवार, हो सकता है कि हम जिताने में भी कामयाब हो जाए। वो कहा वो बहुत अच्छी सी बात है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती और तूफानों से डर के नौका पार नहीं होती। हम लोग लड़ेंगे, क्या पता अंदर वाले ऊपर वाला हिदायत देता है। अब हम अपने लिए ले लें, हम 4 बार के विधायक हैं तो हमें हमारा हिंदू भाई भी है, इस बार हमें 21,000 हिंदू भाइयों ने वोट दिया। तो अगर आपकी मेहनत आपकी लगन अच्छी है तो ऊपर वाला उनके दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा करता है, आपको जिता देता है। करने वाला तो वो है, आपका काम है मेहनत करना। अच्छा, आपके कानपुर के अंदर में 3 जून को हिंसा देखने को मिली, साथ ही उसमें कई बिल्डर और सफेद पोश लोगों के नाम आए हैं, इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो भी गलत है, चाहे वो सफेद पोश हो चाहे वो बिल्डर हो, अगर वो गलत है तो गलत है, उसमें कोई वो नहीं। अगर गलत फंसाया जा रहा है, मैं फिर से कहूंगा, गलत फंसाया जा रहा है तो ये गलत है। देखिए, मेरा मानना है कि हिंसा करना गलत बात है, कोई भी हो, किसी भी दल का हो या किसी भी वर्ग का हो। धरना प्रदर्शन करना पूरा जाए, हमें संविधान 1950 से लागू हुआ, जब से हमें इजाजत दी गई, आप अपनी बात रखिए, पर बात रखने का तरीका किसी को नुकसान पहुंचाना गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं। तो हमारे साथ मौजूद थे कानपुर के सीसा मऊ से विधायक इरफान सोलंकी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव में जो अगर देखे तो जो विपक्ष का उम्मीदवार यशवंत सिन्हा है, उनको जिताने का हम हर भरसक प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने आपसी एकता को बनाए रखने की भी बात कही। कैमरामैन दीपक के साथ विभान सुप्राइम टीवी लखनऊ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के 110 विधायक और सांसदों के साथ बैठक चल रही है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन में समाजवादी पार्टी उनको जिताने के लिए चर्चा कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धीरे धीरे बैठक में जो विधायक हैं वो सम्मिलित हो रहे हैं, धीरे धीरे बाहर भी आ रहे हैं। वहीं उसी क्रम में आपको बता दें कि आज एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का आज नामांकन है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि 29 जून को नामांकन की आखिरी तिथि है, वहीं 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो 24 जुलाई को जो तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। और आपको बताएं कि जब 18 तारीख को आपके चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा और एनडीए की संयुक्त उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन कर रही है, दोनों में से कौन जीतता है और किसी के पक्ष में कितने विधायक वोट देते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विभान सुप्राइम टीवी लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां सरोजी नगर तहसील क्षेत्र के वांचू फूड्स फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री सतीश महाना शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रामकृष्ण लोधी के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। हमारे लखनऊ जिले में जैसे इस तरह की फैक्ट्रियां लगेगी तो संभवतः है कि कम से कम आसपास के लोगों को वहाँ पर कुछ नौकरियाँ मिलेंगी, कुछ काम जो रोजगारी है तो रोजगारी मिलेगी। और जो भी फैक्ट्री में आएंगे लोग जाएंगे, तमाम पास पड़ोस के जितने गांव हैं, यहाँ पर हमारे लखनऊ जिले के गांव हैं, गाँव वालों को फ़ायदा मिलेगा। जो इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को भी फैक्ट्री से फ़ायदा मिलेगा। और मैं तो यही कहता हूँ कि ये फैक्ट्री बहुत उन्नत करे, बढ़े और कम से कम हमारे लखनऊ क्षेत्र के लोग इसमें आकर के काम करें, रोजगार प्राप्त करें, यही हमारी कामना है। सुल्तानपुर में 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा कुरेभार ब्लॉक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक परिसर में निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की और उन्होंने कहा कि योगी सरकार के दिशा निर्देश पर मंडल और जिला स्तर के विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से उनकी समीक्षा की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र से सरकार की स्थिति पर राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि भाजपा का अपना स्टैंड साफ है, शिवसेना का अपना मामला है, बाकी जो भी साथ आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा जो है विभिन्न मंडलों और जनपदों में विकास कार्यों को तेजी लाने के उद्देश्य से और जीरो टॉलरेंस जो हमारी नीति है उसको उस पर खरे उतरने के उद्देश्य से आज कल से हम लोग सुल्तानपुर जनपद के भ्रमण पर हैं।
सरकार की विभिन्न योजनाओं को देखा है। आज हम पूरे भार ब्लॉक में हैं, ब्लॉक में तमाम सरकारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिल सके, मनरेगा में अधिक से अधिक लाभ मिल सके, आवास योजना का लोगों को लाभ मिल सके, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो संबंधित अधिकारियों हैं उनको निर्देश जारी किए गए हैं। खबर रायबरेली से है, जो भारतीय किसान यूनियन व संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। फिलहाल किसानों को उनके घर और कस्बे में नजरबंद कर दिया गया है। बावजूद उसके पुलिस को चकमा देकर कुछ किसान रायबरेली के विकास भवन पहुंचे और किसानों ने प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने की मांग की। विरोध किया है, ज्ञापन दिया है एडीएम साहब को, और ताकि ज्ञापन जो है राष्ट्रपति को पहुंच जाए। और अग्निपथ जो इन्होंने कानून बनाया है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि चार साल का ये बता रहे हैं नौकरी, और एक सांसद होता पाँच साल के लिए, एक विधायक होता पाँच साल के लिए, और हर बार इलेक्शन वो लड़ सकता है, और लड़का चार साल के बाद चला क्या खाएगा, क्या करेगा। आज जो भारत सरकार के द्वारा ये अग्निपथ योजना के अंतर्गत ये अग्निवीरों की भर्ती की बात आई है, उसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय आह्वान के तहत राकेश टिकैत जी ने इसका विरोध किया, और पूरे किसानों के द्वारा यह आवाज़ उठाई गई है कि ये जो अग्निपथ योजना है ये नौजवानों के विरोध में है। नौजवान कुछ समय के लिए जो नौकरी कर पाएंगे उसके बाद फिर वो बेरोजगार हो जाते हैं, तो उनका विरोध किया जाए। खबर बिजनौर से है, जहां कर्जे के तले दबे किसान ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बता दें, किसान के ऊपर सोसाइटी का 95,000 रुपए का कर्जा बताया जा रहा है, जिसके चलते किसान ने सोसाइटी का भुगतान वसूल करने पहुंचे वसूली कार्यकर्ताओं के सामने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद किसान के परिजन और भाकियों के कार्यकर्ताओं ने हंगामा प्रदर्शन कर मृतकों के परिजन की आर्थिक मदद किए जाने की मांग की। खबर कानपुर से है, जहां प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान जन कल्याण सेवा समिति आदर्श विहार के प्रमुख कार्यवाहक ने बताया कि इस आधुनिकता की दौड़ में किशोर युवा और युवतियों ने में नशा एक वैभव प्रतीक बन गया है। स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं तथा समाज के शिक्षित अशिक्षित युवा वर्ग जो कि सामाजिक ताने बाने को तोड़ते हुए किसी न किसी नशे का शिकार करते हो रहते हैं, जिसके चलते जन कल्याण सेवा समिति द्वारा 26 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस के अवसर पर जन जागरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कर कमलों द्वारा किया जाना सुनिश्चित हुआ है। कार्यक्रम का उद्देश्य है जन जन तक जागरूकता पहुँचाना, गलत चीज है, इससे हम कैसे कर सकते हैं, इससे क्या क्या हानियाँ होती हैं। हमारी संस्था के अंतर्गत 3 प्रोजेक्ट करते हैं जो नशे के ही संबंधित हैं, जैसे कि है इरका है, ODIC है, GPLI है, ठीक है। तीनों में अलग अलग वर्क होता है। इरका है वो व्यसनी को हमारे यहाँ इलाज को एडमिट कर इलाज किया जाता है। ODIC है जो एडमिट नहीं हो सकते हैं उनको वहाँ पर उपचार उनको दे के घर भेज दिया जाता है। और जो GPLI है वो छोटी उम्र के बच्चों को जिनको जागरूक करते हैं कि नशा गलत चीज़ है उसकी तरफ ना बढ़ें, और जो नशा कर रहे हैं बच्चे उनको प्रेरित करते हैं कि आप नशा छोड़ें। बदायूं से एक मारपीट का मामला सामने आया है, जहां दो युवकों के साथ प्रधान के बेटे और उनके साथियों ने जमकर मारपीट की और दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं आ रहा था रास्ते में और उनके लड़के बैठे थे, फिर क्या, सोनू, वीरू और सौरभ और काफी और भी लड़के थे साथ में। अच्छा, तो लोगों ने मुझे घेर लिया और गाली देने लगे, ऐसे मुझसे बोले कि डायरेक्ट ये प्रधान का घर है, यहाँ निकल के जाएगा तो सिर झुका के जाएगा। अच्छा, हाँ, तो मैंने बोला ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूँ वैसे जा सकता हूँ, फिर वो मुझे मारने लगे। खबर हरदोई से है, जब भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा ने अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन किया और छात्रों और युवाओं के समर्थन में प्रदर्शन कर अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग की है। बता दें, कई संगठनों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंप कर अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की।
एक IGRS प्रणाली के द्वारा लगभग सारी शिकायतें ऑलरेडी सभी तहसीलों पर सुनी जाती हैं और उनका 100% निस्तारण हमारे ज़िले में पहले से ही हो रहा है। बट कुछ चीज़ें हैं, इनका कुछ शिकायतें हैं जो कि एक दो शिकायतें ऐसी हैं कि जिन पे इनका कहना है कि उन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो शासन की पूरी प्राथमिकता रहेगी इनकी सारी मांगों पर ध्यान दिया गया। जो भी नियमानुसार शिकायतें हैं, नियमानुसार कम्प्लीट करने लायक शिकायतें, उन पर ध्यान दिया जाएगा और सारी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। ये हमारे साथ गलत हो रहा है, छलावा हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा मान के वो तमाम लड़के सड़कों पर उतर गए, आंदोलन करने लगे। उन्होंने गुस्से और आवेश में आकर के आंदोलन को ऐसा उग्र रूप दे दिया, तमाम ट्रेनें जला दी, तमाम बसें जला दी, तमाम तोड़फोड़ कर डाली। इससे हम लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन वो अपनी बात कहेंगे, इससे हम सहमत हैं। देवरिया पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और शराब तस्कर व गैंगस्टर एक्ट में शामिल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए सभी आरोपियों के पास पहले ही कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। खबर देवरिया से है, जहां पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। कोतवाली पुलिस ने 7 चोरी किए गए मोबाइल फोन के साथ 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने शांति चोरों के पास से मोबाइल फोन को कब्जे में लेते अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और चोरों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार शपथ लेने के बाद यह घोषणा की थी कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, जिसके बाद से लगातार अपराधियों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। ताजा मामला गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने का है, जहां दो बदमाशों ने गले में तख्ती डालकर आत्मसमर्पण करने जा पहुंचे। दोनों ही लोनी के गैंगस्टर वांछित चल रहे थे। SP देहात के निर्देश पर लोनी थाना पुलिस लगातार मुठभेड़ में बदमाशों को गिरफ्तार कर रही है। इससे खौफजदा दोनों आरोपियों ने आत्मसमर्पण किया है। आज थाना लोनी बॉर्डर में दिन में दो अभियुक्तों ने, जो कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित थे लगभग 8-9 महीने से, तो उनके द्वारा आज आत्मसमर्पण किया गया है और उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि हम आगे से भविष्य में कोई भी अपराध में शामिल नहीं होंगे। और उन्होंने स्वयं थाने पर आए और उन्होंने सरेंडर किया है। इनके ऊपर एक मर्डर का मुकदमा था। ये दोनों ही रहने वाले रिस्तल थाना टीला मोड़ के हैं और लोनी में एक मर्डर में दोनों ही जेल गए थे। उसके बाद इन पर गैंगस्टर लगाया गया था और वर्तमान में दोनों ही गैंगस्टर में वांछित चल रहे थे और लगातार पुलिस की कई टीमें इनको तलाश कर रही थी, तो उसी दबाव में, पुलिस की कार्रवाई के दबाव में इन दोनों ने थाने पर सरेंडर। खबर श्रावस्ती से है, जहां जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वाधान में सेव द चिल्ड्रन संस्था के सहयोग से CMO कार्यालय में एक मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य समुदाय में विशेष रूप से किशोरों और बच्चों में कोविड वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक लाना है, जिससे कि कोविड टीकाकरण को और भी मजबूत किया जा सके और हर वर्ग के 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। छूटे हुए हमारे सेकेंड डोज से लोग बचे हुए हैं, उनको टीका लगवाने के लिए यह अभियान रखा गया है और इसमें विशेषकर हमारे सेव द चिल्ड्रन पार्टनर द्वारा सहयोग किया जा रहा है, जो गांव-गांव जा कर के इनके वॉलंटियर्स, करीब 32 वॉलंटियर्स हैं, सभी ब्लॉकों को कवर करेंगे, उसकी लिस्ट बनाएंगे और टीकाकरण कराएंगे, जिससे हम लोग सेकेंड डोज पूरा हो सके। कानपुर कचहरी जरायम पेशे का अड्डा बन गई है। काले कोट की आड़ में कई अधिवक्ता अनैतिक कार्य कर रहे। कचहरी पुलिस चौकी की सूचना पर बार एसोसिएशन पदाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया और चौतरफा छापेमारी की। कई अधिवक्ताओं को सट्टा खेलते खिलाते रंगे हाथों पकड़ा गया, साथ ही सबकी वीडियो बनाई गई। वही कोतवाली पुलिस को पत्र लिखकर तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कई दिनों से शिकायतें आ रही थी, कई अपराधी लोग और कई लोग मिल गया धुआं करा रहे कचहरी परिसर में, तो इस पर हम लोगों ने आज एक्शन लिया और कई जगह छापा मारे। आज उनको चेतावनी दी गई, जो लोग धुआं खेलने आते हैं और जो लोग धुआं करवा रहे हैं जी अपने चेम्बरों में या बाहर जहाँ भी करा रहे हैं, उनको आज चेतावनी दी गई, अगर दोबारा ऐसा पाया गया धुआं खेलते हुए पाया गया। खबर गाजियाबाद से है, जहां
विरोध नगर में रहने वाले डायरेक्टर व फिल्म अभिनेता ने पर्यावरण को लेकर वेब सीरीज बनाई, जिसमें मुख्य किरदार विनोद नागर के फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल निभाया और पूरे वेब सीरीज में उन्होंने जिस तरह से पेड़ काटकर घरों का निर्माण किया उस पर चिंता जताई। बता दें आने वाली कई ऐसी वेब सीरीज है जिनमें मुख्य किरदार के रूप में वो पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे भी ऐसा वेब सीरीज बनाएंगे। अरण्य वेब सीरीज, ये वेब सीरीज़ जो मैं बना रहा हूँ लगभग 8 एपिसोड की बनाऊँगा। पहला एपिसोड आज मैं रिलीज़ कर रहा हूँ जिसका नाम अरण्या एक जंगल है। हर एपिसोड का नाम अलग होगा, जैसे अरण्या एक किस्मत या कुछ इस तरीके से, बट मेन नाम अरण्या रहेगा। अरण्या इसलिए रखा क्योंकि अरण्या एक कंसेप्ट, क्योंकि अरण्या एक जंगल है तो अरण्या का मतलब जंगल है, तो ये सारा हम जितना भी इसमें देख रहे हैं वो एक जंगल से रिलेटेड ही देखेंगे। जो जंगलों की समस्याएं हैं, जंगली जानवरों की समस्याएं हैं, और जिस तरीके से शहर का विकास होता जा रहा है और हम लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो उस पर ही थोड़ा सा एक इस तरीके का रास्ता निकाला जाए, सोचा जाए कि जंगल। फरीदाबाद के नगर निगम कार्यालय में स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और अव्यवस्थित पार्किंग को लेकर मंत्री नाराज दिखे। साथ ही मंत्री कमल गुप्ता ने नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव के सामने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले पर बोले मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास कहने को कुछ है नहीं, लड़ने में उनका दम नहीं, कोई उन्होंने कैंडिडेट उतारा नहीं, हमने तो सब कैंडिडेट उतारे। हमारे 22 कैंडिडेट जीते, 3 कैंडिडेट जजपा के जीते, 25 जीते और 25 में जो 7-8 बचे वो भी भाजपा के समर्पित हैं। अब वो कोई छाछ तो बोलने से बोलने, छलनी भी बोलने, जिसमें 36 थे जो चुनाव ही नहीं लड़ा, गिरते हैं सह सवारी मैदानी जंग में, वो क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। अब ये हुड्डा साहब की आप बात कर रहे हो, हुड्डा साहब से पूछो ना कौन कंट्रोल में है, उनके तो कंट्रोल में बीजेपी इसके कांग्रेस के विधायक भी नहीं। खबर आगरा से है, जहां ओम श्री अपार्टमेंट पे एक महिला को कुछ दबंग युवकों ने मिलकर चौथी मंजिल से फेंककर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एसएसपी ऑफिस के सामने एक युवती पिछले 16 दिन से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बैठी थी। आरोपी पिछले 15 दिन से फरार चल रहा था, जिसे आज मुरादाबाद की सीजीएम कोर्ट ने सरेंडर कर दिया है। सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे मामलों में, और हम खास तौर से जो राजनीतिक लोग हैं जो सत्ता से जुड़े हुए हैं वो जो ऐसे मुलजिमों को संरक्षण देते हैं, हम उनसे ये आग्रह करेंगे कि हमारे शहर के अंदर समाज के लिए ये घातक है, पीड़ित लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, बार बार क्या किसी को धरने में बैठना पड़ेगा। तो हम यही चाहते हैं और हम अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने जेल में भेजा है, और हम पुलिस का भी शुक्रिया अदा करते हैं, मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मामले में वो सब लोगों ने सहयोग। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पीलीभीत हाईवे पर ईसानगर थाना क्षेत्र के अदलीसपुर चौराहे के आगे हाईवे पर एक ट्रक डीसीएम और रोडवेज की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस घटना में लगभग 10 से 12 यात्री घायल हो गए और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना अकबराबाद क्षेत्र के गांव दुबिया बंजारा निवासी युवक की बेटी की शादी समारोह के बाद पिटा टेंट का सामान वापस करने जा रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार से आ रही डंपर ने बाइक को रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर भड़के हुए परिजनों को शांत करा और मामले की जांच में जुट गई। मामला कुछ नहीं है, ये तो उसने अभी बेटी की शादी की थी, बेटी घर शायद पहुंच भी नहीं पाई होगी, ये बेटी को पता कर गया, अपने घर का सामान पर कुछ पैसा लेके टेंट पर जा रहा था हिसाब करने के लिए, और यहाँ अचानक ये जो डंपर आ गया मिट्टी का, इससे एक्सीडेंट हुआ और यहाँ पर ख़त्म हो गया। ये इनकी मांग है कुछ राहत दिलाई जाए, बाकी वो आदमी तो चला ही गया इस दुनिया से। तो हम लोगों ने कहा है, विधायक जी ने भी आश्वासन दिया, हम तहसील का जो कृषक बीमा दुर्घटना योजना है उससे हम
दिलाएंगे। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।